नमस्ते दोस्तों, आज एक खास तरीके का नाश्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो देखिए और मज़ा लीजिए इस ब्रेकफास्ट का, और कभी हो सके तो ज़रूर बनाकर बच्चों को सर्व भी कीजिए। मैडम आगे लग जाओ, मिलने लग जाओ। क्या ये जैम सैंडविच? जी, ब्रेड बटर सैंडविच है। डोरिटोस डोरिटोस का थोड़ा पे भी नहीं है मेरी। थोड़ा सॉल्टी चाहिए होता ना साथ में, बहुत स्वीट स्वीट हो जाएगा इसलिए। नाइस, गुड गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। चाय ठंडी तो नहीं हुई? चलो ठीक है, ओके। आज के इस ब्रेकफास्ट में साथ में मैं चाय बना रही हूँ, जो कि बनकर लगभग तैयार है। इस चाय को मैं अब गैस बंद करके और ऊपर से ढक के रख देती हूँ, ताकि इस चाय में पड़े हुए अदरक का फ्लेवर और आ जाए। और भास्कर चाय ठंडी पीता है, तो ब्रेकफास्ट उसी के लिए बन रहा है। आम के अचार का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है और मैंने भी आम के अचार की तैयारी कर ली है। इस तरह साथ में मैंने अपनी एक अगली वीडियो का एडवर्टाइज भी आपके साथ कर लिया है। अब मैंने गैस पर तवा चढ़ाया है और मैं ले रही हूँ ब्रेड। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मैंने लिया 100% आटा ब्रेड। ब्रेड के स्लाइस जब दोनों साइड से अच्छी तरह गर्म हो गए, थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो गए, तो मैंने बटर को, जो पहले ही मैंने स्लाइस करके रखा है, उसको उस पर सेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बटर जमा हुआ है, फ्रिज से निकाला गया है, इसलिए तो वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। और ये स्लाइस मैंने कैसे बनाए हैं ये भी अभी आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। इस तरीके से खुरच खुरच के स्पून से ही हम ये स्लाइस आराम से बना लेते हैं। और मैं जितना बटर लगा रही हूँ, तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। एक तो बटर प्रोटीन होता है, जो कि जिम जाने वाले लोगों को लेना चाहिए, अच्छा होता है। तो भास्कर के लिए इतना बटर डेली खा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वैसे डेली इतना बटर मैं उसको सर्व करती नहीं हूँ। तो मैं अब आगे की वीडियो दिखाती हूँ आपको, कि ये बटर लगाने के बाद मैं इस बटर को इस पर कैसे मेल्ट करने वाली हूँ। जो लोग ब्रेड पर बटर लगाने की ट्रिक नहीं जानते, वो आज ये देख सकते हैं कि जब हम ब्रेड गरम करने के बाद उस पर बटर रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप हल्का सा मेल्ट हो जाता है। तब चाहें तो उसको उस पर हम स्पून से पूरा स्प्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो जहाँ रखा है वहीं वहीं पर ब्रेड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्रेड सिकने वाली है और नॉनस्टिक तवे हैवी होते हैं, तो ये ज़्यादा देर गर्म रहते हैं। और इस पर ब्रेड को बदलने के लिए तवे का यूज़ भी कर सकते हैं, और तवा हैवी है तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। और अब जैम जैसी चीज़ लगाने के लिए हमें ब्रेड का बहुत गर्म होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहे तो स्पून से या बटर नाइफ से इस पर मैं इसको फैला दूँगी। ब्रेड पर जैम लगाने का भी ये तरीका उन सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के बहुत काम आने वाला है, जो कि ब्रेड पर जैम लगाना नहीं जानते। और इसमें कोई हंसने वाली या शर्म वाली बात नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुकिंग कभी नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते, या उन्हें कभी मौका नहीं मिला, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैंने खुद कभी भी लाइफ में शादी से पहले किचन में कोई भी काम नहीं किया था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसीलिए मैं इस वीडियो में एक एक छोटी छोटी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि चिमटे से ब्रेड को उठाना अगर आप गर्म चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते।
अगर ब्रेड की गर्माइश हैंडल नहीं हो पाती तो वुडन स्पैचुला को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या कोई और दूसरा नाइफ या स्पून साथ में सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। सैंडविचेस बनाने में जब भी हम ब्रेड की कटिंग करते हैं घरेलू नॉर्मल नाइफ से, तो उसके लिए जो प्लेट के किनारे हैं वो जितने कम होंगे उतना हमें काम करने का वर्क प्लेस ज़्यादा मिलता है। ये प्लेट छोटी है, बड़ी प्लेट होती है तो हम नाइफ़ को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इस तरीके से ये तैयार हो गया है। और नॉनस्टिक तवे को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, उसको हमेशा टिश्यू से साफ़ करना चाहिए, या जिस तरह मैंने ये छोटे कॉटन के कपड़े का टुकड़ा रखा है उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, बटर घी जो भी यूज़ किया है या जो भी चीज़ हमने उस पर सेकी है उसके थोड़े थोड़े जो पार्टिकल्स आते हैं वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं उसको। और इस तरीके का कोई स्टैंड हमेशा गर्म तवे के नीचे रखना चाहिए ताकि जो हमारा मार्बल का फ्लोर होता है, काउंटर शेल्फ होता है, वो उससे क्रैक नहीं होता है। खाना सर्व करते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम खाने को पहले नज़रों से खाते हैं। दिखने में हमेशा अच्छी क्रॉकरी, अच्छी ट्रे, स्टाइलिश से स्टाइल में खाना सर्व किया हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अपनी मर्ज़ी से जितनी इनोवेशन हम चाहें खाने को सर्व करने में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। अपनी क्रिएटिविटी है कि खाने को किसी तरह से भी आप अच्छे से अच्छे स्टाइल से सर्व कर सकते हैं, ताकि खाने वाला खाने को देखकर ही उसे लगे कि मुझे ये खाना खाना है, इतनी टेम्पटेशन होनी चाहिए। और ब्रेकफास्ट के टाइम हम थोड़ा सा अगर क्रंची फूड साथ में सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है और ट्रे बैलेंस हो जाती है। जैसे कि मैंने थोड़े से नट्स भी साथ में रखे हैं, अब मैं ये डोरिटो डाल रही हूँ इस बाउल में। प्लेटिंग का स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, साथ में टिश्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है, और टिश्यू को इस तरीके से सिंपल फोल्ड करके रखना सबसे इजी होता है, क्योंकि इसको उठाकर यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। और ये टिश्यू उड़े ना, क्योंकि कभी कभी ऊपर फ़ैन भी चल रहा होता है तो सिंगल टिश्यू के उड़ने का डर भी रहता है, तो इसी के ऊपर नाइफ, स्पून, फोर्क जो भी हमें यूज़ करने के लिए देना है हम उसको रख सकते हैं, तो वो टिश्यू को उड़ने भी नहीं देता और प्रेजेंटेशन भी अच्छा बन जाता है। मैंने ट्रे का साइज़ काफ़ी बड़ा लिया है, इसीलिए मैं पानी का ग्लास भी इसी में रखने वाली हूँ, और उसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा ग्लास ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत पानी नहीं पिया जाता, इसलिए मैं कम हाइट वाला ग्लास रख रही हूँ, और इस मग को मैं यूज़ करूँगी क्योंकि इनकी हाइट सिमिलर आएगी। बहुत ऊँची नीची चीज़ें ट्रे में अच्छी नहीं लगेंगी, और इस मग को मैं इस तरीके से रखना चाहती हूँ कि भास्कर जिस तरफ बैठेगा तो उसकी तरफ ये निशान उसकी कंपनी का है उसको दिखना चाहिए, ताकि उसको अच्छी फील आए और उठाकर वो आराम से चाय को एंजॉय कर सके। ट्रे में अगर स्पेस है तो प्लेट के साथ वाली कप भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला मग यूज़ किया है क्योंकि ये भास्कर का स्पेशल कंपनी से मिला हुआ मग है, तो उसको अच्छी फील कराएगा सारे दिन भर काम में मशगूल रहने के लिए। और ट्रे के किनारे दोनों साइड इक्वल हैं, लेकिन जिस तरफ वो बैठेगा तो मैं उस तरफ इस ट्रे को उसको सर्व करने वाली हूँ, ताकि वो जिस तरफ बैठा है उसकी तरफ ही सारी चीज़ों का फेस आना चाहिए, ताकि उसको खाने में इजी हो। आज की वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।